जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बांग्लादेशी पीएम का भारतीय दौरा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं वर्तमान में बांग्लादेश की जो पीएम है वो भारतीय दौरे पर हैं, तो उन्हीं को लेकर के दोस्तों जो समझौते वगैरह हुए हैं बांग्लादेशी पीएम और भारतीय पीएम के मध्य, उसे लेकर के दोस्तों जो हालिया सुर्खियों में खबरें हैं या हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, वो सारी जानकारियां आज हम इस वीडियो के माध्यम से सहेजेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि बांग्लादेशी पीएम के विषय में उनका नाम क्या है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात की जाए बांग्लादेशी पीएम की दोस्तों, तो वर्तमान में बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण नाम होने वाला है, शेख हसीना। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो दौरा है ये कितने दिवसीय है, ये भी एक प्रश्न के रूप में देखा जा सकता है। तो ये दौरा है दोस्तों 4 दिवसीय, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, 4 दिवसीय दौरे पर हैं वो। और वो महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सितंबर का, सितंबर 2022, 4 से 9 सितंबर के मध्य वो ये दौरे पर रहेंगी। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर कौन है शेख हसीना। आगे चलकर दोस्तों हम बात करेंगे कि इस दौरे के परिणाम क्या हुए और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु सामने निकल करके आए। बात की जाए दोस्तों शेख हसीना कौन है, तो यदि बात करें हम शेख हसीना की दोस्तों, तो वे बांग्लादेश के महान, ठीक है, बांग्लादेश के महान स्वाधीनता संग्राम के प्रधान नेता शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में। बात करें दोस्तों यदि हम शेख मुजीबुर रहमान के, कि कौन है शेख मुजीबुर रहमान, तो सबसे पहले हमें एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर जो है देखने मिला वो ये है दोस्तों इनके उपनाम में कि बीडी, यानी बांग्लादेश के संस्थापक। ये एक आप देख सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम क्या नोट करेंगे, बांग्लादेश के संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान। इसके बाद दोस्तों यदि बात की जाए शेख मुजीबुर रहमान के कुछ अन्य तथ्यों की, तो वे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी कहलाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों बंगबंधु उनका एक उपनाम है। फिर दोस्तों यदि हम बात करें तो आवामी लीग के अध्यक्ष थे कौन, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान के विषय में दोस्तों हम देखते हैं तो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी वे सामने आते हैं। ना केवल राष्ट्रपति दोस्तों, बल्कि आगे चल करके वे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर भी थे। यदि बात करें दोस्तों वर्तमान में, ठीक है, यदि हम देखें कि हाल ही में ये क्यों चर्चा पर हैं, क्या कारण है, तो जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का भारतीय दौरा हम देखते हैं दोस्तों, तो साथ ही उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य किया। यदि हम इसे प्रारंभ से देखें तो सबसे पहले दोस्तों इनका स्वागत हुआ हैदराबाद हाउस, कहाँ, दिल्ली में, और इसके बाद दोस्तों इनका स्वागत किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। फिर दोस्तों आगे इन्होंने राजघाट पर, जो कि महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, वहाँ पर इन्होंने जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही दोस्तों यदि हम आगे देखते हैं तो इन्होंने एक स्कॉलर की चर्चा की। यदि हम बात करें दोस्तों ये स्कॉलर कौन सी है, तो ये स्कॉलर है शेख मुजीब या मुजीब स्कॉलर, या इसे एक और हम नाम दे सकते हैं दोस्तों, वे नाम है शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति योजना। बात की जाए दोस्तों कि यह योजना क्या है, क्यों ये सुर्खियों पर है, तो इसके विषय में दोस्तों हमें जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा और यह हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि बात करें दोस्तों मुजीब स्कॉलरशिप की, तो 1971 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद या गंभीर रूप से घायल भारतीय सैनिकों के वंशजों को प्रदान की जाएगी यह मुजीब स्कॉलरशिप। अब बात ये आती है कि भाई किन्हें मिलेगी, वंशज, वंशजों में कौन, तो वंशजों में भी दोस्तों यदि हम बात करें तो मुख्य तौर पर 10वीं और 12वीं के जो छात्र होंगे, जो बच्चे होंगे उस परिवार के, किस परिवार के दोस्तों, तो वह परिवार जो 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद या गंभीर रूप से घायल हुआ, उन भारतीय सैनिकों के परिवार के बच्चे या उनके सदस्य, उन्हें जो 10वीं या 12वीं में हैं, ऐसे 100-100 बच्चों को, यानी कि 10वीं के 100 और 12वीं के 100 बच्चों को यह स्कॉलर प्राप्त होगी। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि कुल 200 सदस्यों या 200 बच्चों को यह स्कॉलर प्राप्त होगी या यह छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि 1971 की स्मृति में जो है यह स्कॉलर प्रारंभ की गई है, तो इसके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी होगा कि हम इस बात को समझें कि आखिर बांग्लादेश के बारे में यदि हम दोस्तों चर्चा करते हैं या बांग्लादेश के विषय में कुछ समझते हैं, तो आपके सामने एक मैप है, एक मानचित्र है, आप उसमें देख पा रहे हैं। शुरुआत दोस्तों बांग्लादेश की भौगोलिक अवस्थिति के साथ। बात की जाए यदि बांग्लादेश की भौगोलिक अवस्थिति की, तो निश्चित तौर पर भूगोल के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते ही हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हम देखें दोस्तों तो बांग्लादेश की जो अवस्थिति है वह भारत के पूर्व में है, या हम कह सकते हैं कि पूर्व में भी भारत के कौन से राज्य आपको दिख रहे हैं दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्य, तो उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत के मध्य, ठीक है, आपका कौन अवस्थित है दोस्तों, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के विषय में हमने क्या पाया कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत के बीचों बीच में आपको देखने मिल रहा है, या हम इसे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि बांग्लादेश भारत के पूर्व में है। कहाँ पर अवस्थित है, तो बंगाल की खाड़ी की सीमा इसमें से टच होती है। हम कह सकते हैं कि यह किस ओर है, पूर्व की ओर है पहली बात, और दूसरी बात इसकी जो सीमावर्ती है कौन है, बंगाल की खाड़ी। तीसरा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहां पर निकल करके आएगा, वो ये है कि बांग्लादेश का पूर्व नाम। यदि बात करें दोस्तों हम बांग्लादेश के पूर्व नाम की, तो 1971 के पहले 1971 में दोस्तों हमें बांग्लादेश देखने मिला,
और यदि हम इसके पहले की बात करें तो 1947 से लेकर के 1971 1947 से लेकर के 1971 का वह दौर जब बांग्लादेश बांग्लादेश के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि दोस्तों यह जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। जी हाँ दोस्तों, यदि हम बात करें पाकिस्तान की तो भारत और पाकिस्तान को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह हुई थी दोस्तों 1947 में। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के दो भाग थे। यदि हम देखें पाकिस्तान को दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं बीचों बीच में भारत है, और भारत के आप देखेंगे पश्चिम की ओर में एक पाकिस्तान है जिसे पश्चिमी पाकिस्तान, और पूर्व की ओर का वह हिस्सा जो वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में हम देख पा रहे हैं वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान दो भागों में था। फिर दोस्तों होता क्या है कि 1947 के बाद जब हम आगे चलते हैं, आगे के वर्षों में दोस्तों यहाँ पर वैसा ही जैसा कि भारत में आप पाते हैं राजनीतिक इतिहास उसका जो है दोस्तों, यदि हम राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो इसका भी राजनीतिक परिदृश्य बहुत ही वृहद और व्यापक है। पर यदि हम इसे संक्षिप्त में समझें तो हुआ कुछ यूँ कि आगे चल करके दोस्तों एक लीग जो है बांग्लादेश आवामी लीग वहाँ पर जन्म लेती है और चुनाव होता है। चुनाव के दौरान दोस्तों 1971 में पाते हैं कि इस चुनाव में आवामी लीग के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, शेख मुजीबुर रहमान, इनके नेतृत्व में आवामी लीग जो है वह कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे पर थी। अर्थात जो मतदान हुआ इसमें शीर्ष पर थी आवामी लीग, और जब आवामी लीग शीर्ष पर है तो वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश की जो जनता है अर्थात पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में यदि हम बात करें दोस्तों, तो पूर्वी पाकिस्तान का जो यदि हम देखें मतलब इसे मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो दोनों जगह पर हो रहा है, और फिर उसके द्वारा ही चुन करके वही प्रणाली जैसा कि हम भारत में पाते हैं राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और अन्य। तो यदि बात करें दोस्तों तो जब यह चुनाव हुआ और इसमें राजनीतिक पार्टी की यदि हम बात करें और मतदान हुए तो मतदान में आवामी लीग शीर्ष पर थी, अर्थात इसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए, और उसी लिहाज पर आवामी लीग यह चाह रही थी कि भाई अब सरकार हमारी हो। लेकिन आवामी लीग दोस्तों मुख्य तौर पर कहाँ की लीग, कहाँ की पार्टी है, तो ये पार्टी थी बांग्लादेश की, बांग्लादेश इन द सेंस कि पूर्वी पाकिस्तान की। अब पश्चिमी पाकिस्तान वालों को यह नागवारा हुआ, अर्थात उन्हें यह बात पच नहीं पाई, और इसका परिणाम दोस्तों हमारे सामने है 1971 का वो वॉर, और जहाँ पर दोस्तों हम पाते हैं कि एक तख्ता पलट जैसी स्थिति थी। अर्थात पाकिस्तान नहीं चाह रहा था, पाकिस्तान मतलब वर्तमान पाकिस्तान और ये आपका कौन सा पश्चिमी, तो ये वाला जो भाग है दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान, यह नहीं चाह रहा था कि वहाँ पर आवामी लीग की सरकार हो, और इसका परिणाम हमें देखने मिलता है 1971 में बांग्लादेश के उदय के रूप में। और वहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की दोस्तों इसके पड़ोसी मुल्क, या बात करें हम भारत या हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान ने अर्थात भारत ने दोस्तों उस समय पर बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं तो उसी स्मृति में 1971 के उस वार में या उस युद्ध में जब भारत विजयी हुआ, तो वो दिनांक वो तिथि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके सामने एक इमेज है, आप इसके द्वारा नोट कर सकते हैं। और अगली बात फिर दोस्तों, इसमें जो भारतीय सैनिक थे उनकी स्मृति में ही जब अभी वर्तमान में शेख हसीना अर्थात शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री जब भारतीय दौरे पर हैं, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम यहाँ पर अपने उसी मुक्ति संग्राम 1971 की स्मृति में भारतीय सैनिकों के वे वंशज या भारतीय सैनिक वे जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनके स्मृति में हम यहाँ पर एक छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ कर रहे हैं। और उस छात्रवृत्ति योजना के जब नामकरण की बात आई दोस्तों, तो उसका नाम रखा गया शेख मुजीबुर रहमान या शेख मुजीब छात्रवृत्ति योजना। इसके बाद दोस्तों आगे यदि हम बात करें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है, और वह यह है कि भाई जो बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति है उसे लेकर के कि बांग्लादेश कितने राज्यों से, भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आप क्रम से नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है दोस्तों पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बाद आपको मिलेगा असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। हालांकि इसकी चर्चा दोस्तों हम पहले ही कर चुके हैं भारत के भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट आप जाकर के देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अभी इसमें से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो निसंदेह निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वर्तमान राष्ट्रपति को लेकर के। यदि हम बात करें वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के, तो मोहम्मद अब्दुल हामिद, ये एक महत्वपूर्ण नाम होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करें बांग्लादेश के मुक्ति दिवस की, तो बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस या मुक्ति दिवस है दोस्तों वह 26 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 1971 से यह सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय शोक दिवस की, तो बांग्लादेश में एक दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय शोक दिवस, 1975 में दोस्तों 15 अगस्त के दिन एक सैनिक तख्ता पलट हुआ वहाँ पर। वहाँ पर दोस्तों जो बांग्लादेश के संस्थापक थे या प्रथम राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, आवामी लीग के प्रमुख अध्यक्ष या प्रमुख व्यक्तित्व, उनकी दोस्तों हत्या कर दी गई, और इसी
स्मृति में वहाँ पर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त के दिन। तो ये दोस्तों कुछ बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े थे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वर्तमान में भारतीय दौरे पर आई शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मध्य हुए समझौतों के बारे में। तो बात की जाए दोस्तों यदि इन समझौतों में, तो दोनों देशों के मध्य जो समझौते हुए उनमें मुख्य तौर पर कुल 7 समझौते देखने मिलते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो वह है कुशियारा नदी जल की निकासी को लेकर किया गया समझौता। बात की जाए कुशियारा नदी की दोस्तों, तो दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र के मध्य यह बहुत ही पुराना विवाद था। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। हालांकि दोस्तों समझौते तो यहाँ पर 7 हुए और इन समझौतों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यदि हम निगाह डालें या कुछ नज़र डालें कि महत्वपूर्ण क्या है, तो उनमें से एक हमारा कुशियारा नदी, इसके बाद रेलवे कर्मियों को और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की बात यहाँ पर की है भारत ने। तीसरा यदि हम बात करें दोस्तों तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लेकर भी भारत ने ये सहमति जताई है कि वह बांग्लादेश का सहयोग करेगा। चौथा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों प्रसार भारती को लेकर के, प्रसार भारती और बांग्लादेशी टेलीविज़न के मध्य प्रसारण में सहयोग की बात की गई है, अर्थात प्रोग्रामों को साझा करने की बात की गई है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है दोस्तों कि बांग्लादेश और यदि हम देखें हमारा पश्चिम बंगाल, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह बंगाल ही था जिसे दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जिसका नाम हम देखते हैं हमारे यहाँ एक राज्य के तौर पर पश्चिम बंगाल। ठीक ऐसी ही स्थिति आप पंजाब में भी पाते हैं, पंजाब भी दो भागों में डिवाइड हुआ, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब हमारे भारत में है और पश्चिमी पंजाब दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो दोस्तों यदि हम बात करें ऐसे ही या इसी ही क्रम में, तो बांग्लादेश जो है वह बंगाल के साथ कहीं ना कहीं सांस्कृतिक तौर पर भी या भावनात्मक तौर पर ले लें या बोली और भाषा के तौर पर ले लें दोस्तों, कहीं ना कहीं दोनों में मेल है। इसे लेकर ही प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें साझा करने हेतु प्रसार भारती और बांग्लादेशी टेलीविज़न के मध्य प्रसारण में सहयोग के लिए एक समझौता किया गया है। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण तो बहुत सारी यहाँ पर बातें हैं, लेकिन उनमें भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है और वह यह है कि भारत ने $389 मिलियन ऋण देने की बात यहाँ पर की है। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें तो रक्षा ऋण की भी चर्चा की गई है। बात की जाए दोस्तों यदि बांग्लादेश के साथ व्यापार की, तो भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यदि हम बात करें इस व्यापार में, तो कुछ चीज़ें आयात की जाती हैं और कुछ निर्यात की जाती हैं। आयात की गई वस्तुओं की यदि हम बात करें दोस्तों, तो शुद्ध वनस्पति तेल, बिना बुने पुरुषों के सूट और कपड़ा स्क्रैप, ये आयात किए जाते हैं, जबकि कच्चा कपास, सूती धागा या यदि हम बात करें तो बिजली भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, यह दोस्तों भारत के द्वारा निर्यात की जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वह है कि भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों जो हमने देखे, और इसके बाद यदि हम बात करें तो इन सभी मुद्दों को लेकर के जो चर्चा की गई है वो कहीं ना कहीं दोस्तों भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उनके प्रगति और उनके विकास के लिए ही चर्चाएँ की गई हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं आपसे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।